Actress Kangana Ranaut said that threats to actress Deepika Padukone regarding the release of their controversial film Padmavati are extremely wrong and she condemns it. At the Reebok Fit to Fight Awards 2017, when Kangana quipped with Padmavati Question, she said, "Well, of course, we condemn it. ये बहुत ही ज़्यादा गलत है. लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है जो बहुत ही आप लोगों को सुनके हैरानी होनी चाहिए. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन जब स्कूल में थी, तो उसपे एक स्टूडेंट ने एसिड अटैक किया, राइट? जब मैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हूँ, तो एक सुपरस्टार मुझे जेल में डालने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ वेरी कॉमन दैट हैपन्स इन आवर सोसाइटी. तो आपको इंडिविजुअल को अटैक करना है और यू वॉन्ट टू अटैक द शोविनिज्म, पेट्रियार्की और जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, तो हमको उसको अटैक करना चाहिए. इंडिविजुअल्स को वी कैन कॉल देम आउट. हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बिहेवियर गलत है, जो कि हम कह रहे हैं कि गलत है. और ये सिर्फ लड़कों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इसमें महिलाएं भी शामिल हैं. तो हमको उस सब उस सोच को अटैक करना है और वो हम करेंगे और कर रहे हैं, चाहे अपने काम के ज़रिए, चाहे अपनी स्पीच के ज़रिए, चाहे अपनी फिल्मों के ज़रिए. इसीलिए फिल्में बहुत ही ज़रूरी माध्यम हैं. और फिल्मों को लेके ये कहना कि इस चीज़ को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है. क्योंकि अगर हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, फिल्मों के द्वारा ही पहुंचेंगे. After which the media questioned Kangana on her recent statement regarding supporting Deepika Padukone but not signing the Deepika Bachao petition by Shabana Azmi, Kangana expressed that, मुझे किसी का सपोर्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए. लेकिन आई फील दैट वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, वी ऑल नीड टू स्टिक टुगेदर एंड वी ऑल नीड टू मेक श्योर दैट वेदर इंडिविजुअली और टुगेदर, इफ वी कैन, वट एवर वी कैन डू इन आर कैपेसिटी टू सपोर्ट आर कलीग्स. लाइक आई सेड, आप साथ में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं. हमारी सारी सपोर्ट जो है हमारे कलीग्स के साथ है. Meanwhile, film Padmavati, which was scheduled for release on December 1st this year, but it has been deferred since it has not got clearance from the Central Board of Film Certification. Anand's report.